बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें पूरे परिवार के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। बहुत ही खुशी का समय है। सर तैयारी तो उसने बचपन से ही उसने हमेशा टॉप पर रही है और हमेशा लास्ट तक भी टॉप पर रही है। और तैयारी में तो उसने अपना तन मन और समय का प्रति क्षण उसने मतलब उसने एनकैश किया, अपने पूरा समय उसने एनकैश किया है। हर समय को उसने मूल्य प्राप्त किया है। उसको भी सीए फाइनल की तैयारी से तैयार सीए फाइनल के एग्जाम से पहले उसको एक दो बार उसको ऐसा महसूस महसूस हुआ था एक दो महीने पहले तक कि पता नहीं मेरे नंबर जो वो टेस्ट लेती थी अपने आप का अपने भाई के साथ एक दूसरे का टेस्ट लेते थे उसको महसूस होता था कि नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो उसके भाई ने उसको काफ़ी मोटिवेट किया उत्साहित किया कि नहीं तू बेस्ट है और तू कर सकती है। और उसने एक दूसरे की कमियों को पहचाना और एक दूसरे की कमियों को दूर किया। हाँ चंबल में कुछ हालांकि कुछ समस्याएं या पुरानी मान्यताएं तो हैं लेकिन उनसे बाहर निकल के हर माता पिता को एक उचित राह दे बच्चों को दिखानी चाहिए और खुद को भी हिम्मत और बच्चों को भी हिम्मत देनी चाहिए कि आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो गिनीज बुक ऑफ का सपना तो उसने देखा था और कुछ कुछ किया मतलब ज़्यादातर भगवान की कृपा रही और उसकी मेहनत रंग लाई है और उसने पूरे तन मन से उसने मेहनत की है। इसमें कोई दो राय नहीं है और उसने मतलब अपनी मेहनत में 1 से 1% दिया है। अभी वो मुंबई महाराष्ट्र में जॉब कर रही है। सिंगापुर गवर्नमेंट की कंपनी है GIC और उसमें वो बहुत अच्छी पोजीशन है और बहुत अच्छा काम कर रही है और वो अपने जॉब से काफ़ी सेटिस्फाइड है और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बहुत ही शानदार जर्नी रही हमारे लिए भी और हमारे मुरैना शहर के लिए और पूरे देश के लिए। और अब तो ये विश्व स्तर की बात है। मुरैना शहर से एक कम उम्र की CA फर्स्ट रैंक होल्डर, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट शॉट पास आउट, मात्र 19 साल की उम्र में ये लड़की CA कंप्लीट हुई, वो भी रैंक 1 के साथ। ये मेरे गौरव की भी बात है कि वो मेरी छात्रा है। और जैसा कि इसकी जर्नी की बात आपने कही तो इसकी जर्नी बहुत ही शानदार है। बचपन से ही बच्ची बहुत ही डेडिकेट है, बच्ची सेल्फ मोटिवेट भी है, बहुत ही चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करती है, बहुत जल्दी लर्न करती है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझती है। और जैसा कि स्टार्टिंग में जब इसके CA का हम रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो उस समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका नहीं हो पा रहा था। कारण ये था कि इसकी एज जो थी वो बिलो 16 थी उस समय जब हम इसका रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो हमने काफ़ी मेहनत करके इसको फिजिकली जा कर के मैनुअली हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, तब जा कर के इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उस समय चूँकि ऑनलाइन के साथ साथ मैनुअल सिस्टम भी था इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन हो पाया। अगर उस समय मैनुअल भी सिस्टम नहीं होता तो उस समय इसका रजिस्ट्रेशन शायद नहीं हो पाता। ये गुड लक वाली बात है हमारी बच्ची के लिए और ये लाइफ टाइम के लिए बच्ची सेट हो चुकी है, सबसे कम उम्र में बनने वाली सी है। नंदिनी को लेकर के हमारे यहाँ के जो जितने भी छात्र हैं बहुत ही प्रेरित होते हैं और प्रेरणा लेते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ के बच्चे बहुत सारे नंदिनी से मार्गदर्शन भी लेते हैं, उसके भाई से भी मार्गदर्शन लेते हैं और भी हमारे यहाँ जो बच्चे टॉपर्स रहे हैं उनसे सभी का मार्गदर्शन मिलता रहा है और हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है। पिताजी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के हैं और इनका प्रैक्टिस है, टैक्सेशन प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट है। ये दो भाई हैं, एक बहन है, एक भाई भाई है, भाई बहन दो ही है। अभी ये बॉम्बे में है